स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश कर दिया गया है। बिल में भारत मुखालिफ इकदाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकना तजवीज किया गया है। मगर एक बात जरूर है, मैं आपको बताऊंगा, हिंदुस्तान वाले तो बड़े खुशी मनाएंगे ना। और भारत के साथ जापान, इसराइल, कोरिया और नेटो जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। बड़ा इम्पोर्टेंट बिल आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ है बिल सारे का सारा। क्या पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए? क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है? क्या पाकिस्तान ऑफेंसिव फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और हमें बताया जाए? तो प्रेशर पाकिस्तान पे रखो ताकि हम पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है तो हम बंद करें। रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल सेनेट में पेश कर दिया। ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आने वाले दिन हमें ये बताएंगे कि ये खबर और ये बिल इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना अहम। इंडिया को आसानियां ही आसानियां हैं। किस तरह आसानियां? अगर इंडिया रशिया से असला ले रहा है तो अंडर द काटसा सैंक्शंस उनको एग्जेम्पशन दी जाए। अगर जो काटसा सैंक्शंस हैं उसमें उनको एग्जेम्पशन दी जाए, ये एक बहुत बड़ी जीत है इंडिया की, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। अब इसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे कोई इफेक्ट? बिकॉज़ यू बीन एन एंबेसडर सर। इसमें पाकिस्तान को पनिश करने, पीनलाइज करने की बात की गई है, बल्कि यहां तक उन्होंने कहा है कि इंडिया को नेटो की तरीके से डील किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के प्रभावशाली रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने शुक्रवार को सेनेट में एक पाकिस्तानी विरोधी विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने और पाकिस्तान के कथित खतरों से पार करने के लिए भारत की मदद करना है। इस विधेयक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कथित धमकियों के लिए उसे दी जाने वाली सुरक्षा सहायता को रोकना है। प्रस्तावित यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का दृढ़ता से समर्थन करता है और प्रशासन से भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करने का आग्रह करता है जैसा कि वह जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया और नाटो सदस्यों जैसे अमेरिकी सहयोगियों के समान दर्जा रखता हो। इस विधेयक को फ्लोरिडा के रिपब्लिक सेनेटर रूबियो ने पेश किया, जो 2011 से अपनी सीट पर काबिज हैं। अब यूएस सेनेट में इस बिल के पेश होने से पाकिस्तान की चीख निकल गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्ट्रेंथन करने के लिए ये बिल पेश किया गया है मार्को रूबियो की तरफ से, लेकिन इस बिल में ये कहा गया है कि इंडिया को दहशतगर्दी के कोई भी थ्रेट्स हैं तो बताया जाए, रिपोर्ट किया जाए कि इंडिया के खिलाफ किसी कंट्री की तरफ से कोई दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से अगर भारत के खिलाफ दहशतगर्दी है तो उसको रिपोर्ट किया जाए और हमें बताया जाए। ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आने वाले दिन हमें ये बताएंगे कि ये खबर और ये बिल इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना अहम है और ये इंडिया को कैसे अपलिफ्ट करेगा, उसको दहशतगर्दी के खिलाफ जो इंडिया का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स कैसे इंडिया की मदद करेगा, इस बिल में ये बताया गया है। मैं आपको इसके सबसे पहले कुछ, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो है ना, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई है कि सांप का काटा जो है वो पानी भी ना मांगे। अगर हम इसको ये कहें तो वो जो है वो गलत नहीं होगा। ये कुछ ऐसा ही हो गया, ऐसा ही वार हो गया है। ये एक बहुत बड़ी जीत है इंडिया की, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि कांग्रेस में एक ऐसा बिल, यूएस कांग्रेस में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसमें इंडिया की सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स पेश किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसे खतरा है, उसे दहशतगर्दी से खतरा है और इसमें पाकिस्तान को पनिश करने, पीनलाइज करने की बात की गई है कि अगर है तो देखा जाए, निपटा जाए और साथ ही चाइना को काउंटर करने, चाइना का इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की बात की गई है। तो जहां हम इसके ऊपर ज़रा
तफसील से बात करते हैं कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो सेनेटर मार्को रूबियो हैं उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी इस वक्त मौजूद है मेरे सामने, वो भी ओपन है, और जो इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है वहाँ पर भी मौजूद है। सेनेटर रूबियो सेट द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन वुड सेट ए स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी दैट द यूएस विल सपोर्ट इंडिया इन इट्स रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग थ्रेट्स टू इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी assistance to India against enemies and cooperate with India with respect to defense, civil space and technology. सिर्फ अगर आप ये few sentences देख लें तो इसमें सब कुछ शामिल है कि हर department में space से लेकर technology तक में इंडिया की मदद की जाएगी, इंडिया को help out की, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा है कि इंडिया को नेटो की तरीके से डील किया जाए, जो नेटो का दर्जा है यूएस के लिए वैसे ही इंडिया को रखा जाए उसी लेवल पर, यानी कि इंडिया को जो है वो उन्होंने लेवल चुक देता है, उठा दिया है भारत के लिए जो है ये बिल है। और ये बात सही है ये जो कह रहे हैं ऋषिकेश, उन्होंने कहा पाकिस्तान को भी $100 मिलियन जो है दी। सर $100 मिलियन तो ये जो बिल आया इसके सामने चूरन भी नहीं है। $100 मिलियन की आप बात कर रहे हैं वो तो एनजी निकल जाने हैं जो एड आई है। दोस्तों एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया को अमेरिका में लॉबिंग करनी पड़ती थी अपने मफाद के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी, लेकिन अब ये मौका आ गया है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो खुद ही लगे हुए हैं। अमेरिकी सेनेटर हैं मार्को रूबियो, उन्होंने एक यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट जो है उसको एक्सपैंड करने की बात की। ये जो डिफेंस जो जिसे कहते हैं ना कोऑपरेशन एक्ट है ऑलरेडी जिसे वो कहते हैं ना इसके बड़े फैसेट्स हैं, लेकिन एक बिल आया है अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कि हमें अगर कम्युनिस्ट चाइना, देखें लैंग्वेज चेक करें, कम्युनिस्ट चाइना इट्स नॉट चाइना। अब क्या फॉर एग्जांपल व्हेन द अमेरिकन्स टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया डू दे टॉक अबाउट के वहां पे जनाब अगर अथॉरिटेरियनिज्म है, अथॉरिटेरियन सऊदी अरेबिया अथॉरिटेरियनिज्म है ना वहां पे किंगशिप है ना, ठीक है जी। बहरहाल व्हाट डू दे से कम्युनिस्ट चाइना, बिल्कुल ठीक है कम्युनिस्ट चाइना कहें जो मर्जी कहें, लेकिन द क्वेश्चन इज आई एम टेलिंग दिस इज अबाउट द लेवल ऑफ जिसे वो कहते हैं ना कि एक वो जो होता है कि इंटेंसिटी जो होती है, दैट्स हाउ दे आर लुकिंग एट चाइना, चाइना को वो देख कैसे रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ है बिल सारे का सारा, उसके अंदर एक शिक जो है ना वो ये वो पाकिस्तान के बारे में भी है। उन्होंने कहा है जी कि हमें रिपोर्ट करें स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस डिपार्टमेंट, कौन रिपोर्ट करेगा जारी बात है कांग्रेस के पास तो इतना नहीं है, हमें रिपोर्ट करें पाकिस्तान के बारे में कि क्या पाकिस्तान ऑफेंसिव फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और हमें बताया जाए ताकि हम पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पूछना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदा ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।